धनबाद जिले के लोधना ओपी क्षेत्र में संचालित सुश्री आउटसोर्सिंग में लोगों ने जमकर बवाल किया। 22 वर्षीय युवक सूरज माली पिछले 5 दिनों से कंपनी का चक्कर लगा रहा था। युवक हॉलपैक के चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद सैकड़ों स्थानीय लोग कंपनी परिसर में पहुंचकर और जमकर हंगामा किया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए कंपनी को बैकफुट पर आना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह रांची से देर रात 12:30 बजे तक घटना स्थल पर पहुंचकर BCCL और आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। इसके बाद 20 मुआवजा और नियोजन पर सहमति बनी है। आगजनी की घटना हुई तो ही लोग बहुत नाराज थे इस बात से कि अभी भी कोई सुध लेने नहीं आया। चूंकि मैं यहाँ थी नहीं उपस्थित, इसलिए मुझे आने में विलंब हुआ कि 3 बजे की घटना में रात को लगभग 11 बजे यहाँ पहुँचे। और हमारा तब से अभी तक का यही प्रयास रहा कि कंपनी जो है, जो परिवार है, पीड़ित परिवार है जिसका एक बेटा चला गया, उसको जो है न्याय भी मिले और साथ में जो मुआवजा है, क्योंकि अब बेटे के जाने के बाद किस तरीके से उसके 3 बच्चे हैं, सर्वाइव करेंगे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि एक दिन तो सब लोग पूछता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। वो एक प्रयास था और आज हमने आगे निकाल के मार दिया है। LBC ने अपना पैसा जोर से किसी को भी मार देगा सर। औरत पे हाथ उठा करके भागा, मर्द नहीं है वो। हम औरत होकर बोल रहे कि LBC क्या कर है, आवे यहाँ पास हूँ, आकर के दिखा दे नोट के गर्मी हूँ। औरत होकर अगर हम दिखाते हैं, थाना वाला प्रशासन किस लिए बना है? पब्लिक के हेल्प करने के लिए कि पब्लिक के लाठी चार्ज करने के लिए, प्रशासन की लाठी, सुनिए ना, लाठी चार्ज करने के लिए, आग बुझाने के लिए गाड़ी मांगे है। सुन, LBC 50 लाख रुपया यहाँ रखेगा, अब प्लस में मेरा भाई का बॉडी यहाँ रखेगा सर, मेरा यही मांग है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जिस तरीके से आउटसोर्सिंग का ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल काटा है, क्या कुछ जानकारी है? अनिकेत, मैं आपको बता दूं कि लोधना एरिया नंबर 10 के लोधना में सुशी कंपनी के द्वारा वहां देव एंड प्रभा कंपनी के ओर से आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। और इस आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्य मांगने के दौरान एक युवक की मौत हो जाती है कल दुर्घटना में। और इसके बाद वहां स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियों का शीशे तोड़ दिए गए, कैंप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। और लोगों का आरोप था कि घटना होने के बाद मौत, जिस युवक की मालिक की मौत हुई है, सुरेश मालिक की, उसकी डेड बॉडी जो है वो गायब कर दिया गया है, ये प्रबंधन पर आरोप लोग लगा रहे थे। और लगातार इसे लेकर लोग आंदोलित कर रहे थे, लोग आवाज उठा रहे थे, और लोग जिसे लेकर पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस पर भी लोगों का गुस्सा फूटा। कई बार पुलिस को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, कई बार लोग जो है वो कैंप के अंदर प्रवेश करते हुए नजर भी आ रहे थे, लगातार उन्हें हटाने का प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि देव एंड प्रभा कंपनी के जो MD और CMD है कुमनाथ सिंह और लाल बाबू सिंह, उनके गुरुओं के द्वारा लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर उस क्षेत्र में कार्य मांगने जाता है तो उस पर वो लाठियां बरसाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इसे लेकर लोग काफी आक्रोशित थे, नाराज थे, और जिस प्रकार से घटना घटी है उस घटना को लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। अनिकेत, मैं आपको बात बता दूं कि देखिए सुशी का जो है उसी का नाम पर देव प्रभा के द्वारा वहां आउटसोर्सिंग का कार्य जो है वो किया जा रहा है। अगर हम बात करें कुसुड्डा क्षेत्र की बात करें, अगर हम झरिया क्षेत्र की बात करें, तो देखिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आउटसोर्सिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन सबसे अगर दबंग आउटसोर्सिंग प्रबंधक कहा जाए तो आप एलवी सिंह, जिन्हें लाल बाबू सिंह भी कहा जाता है, उनके भाई कुमनाथ सिंह है, उनके बारे में आप कह सकते हैं, क्योंकि वो किन्हीं का नहीं सुनते हैं। यहां तक कि BCCL के आला अधिकारी भी अगर उनके बिना आदेश के अगर प्रवेश कर जाते हैं आउटसोर्सिंग में, तो उनके गुर्गे जो है उन्हें भगाने का काम करते हैं, वहां से हटाने का काम करते हैं। वो अपने कार्य में किसी
भी अधिकारी का दखल जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही कारण था कि लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी थी। देखिए स्थानीय युवक लगातार वहां जाते हैं, कार्य मांगते हैं और कार्य उन लोगों को नहीं दिया जाता है और बाहर से लोगों को कम रेट पर मजदूर लाकर वो कार्य करते हैं। तो देखिए ये जो मजदूर नेता है उनका भी कहना है, जो प्रबंधक है उनका भी कहना है कि हम यहाँ जो स्थानीय लोगों को नहीं जगह दे पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जो बीसीसीएल लगातार ये कह रही है। लेकिन बीसीसीएल के क्षेत्र में अगर उनके क्षेत्र में आसपास के लोग जो रहते हैं उनके क्षेत्र में अगर आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, अगर उनके घर में डस्ट जा रहा है, अगर उनके घर को क्षति पहुंच रहा है, तो स्थानीय बेरोजगार युवक को रोजगार देना ये आउटसोर्सिंग की पहली प्रमुखता होनी चाहिए। लेकिन वो किसी भी मापदंड को फॉलो नहीं करते हैं और यही कारण है कि कल जिस प्रकार से नाराजगी लोगों में देखी, कल एक युवक की मौत हो जाती है और मौत के बाद पूरा क्षेत्र का लोग जो है वो वहां जुड़ जाते हैं, लगातार विरोध जताते हैं, गाड़ियों के आग के हवाले कर दिए जाते हैं। यहां तक कि जो प्रबंधक जो कमेटी जो लोग कार्य कर रहे थे आउटसोर्सिंग में, वो लोगों को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। देखिए देर रात लगभग 1 बजे तक ये वार्ता हुई जोड़ा पोकर थाना क्षेत्र में। धनबरिया की अगर विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह की बात करें, हर सिंह की बात करें, बीसीसीएल के जो डीएम है उनकी बात करें, एजेंट की बात करें, कंपनी के प्रबंधक की उनकी बात करें, तो उन लोगों के द्वारा थाने में लगभग 2-1.5 बजे रात तक वार्ता हुई और वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो मृतक के परिजन है उन्हें 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ एक परिवार के लोग एक व्यक्ति है उन्हें कार्य पे रखा जाए और उनके बच्चे का पालन पोषण जो है वो कंपनी के ओर से किया जाए। देखिए काफी देर तक ये वार्ता हुई क्योंकि धनबाद के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। अगर हम सिंदरी डीएसपी की बात करें राउत, तो वो वहां मौजूद थे, कई थाना के थाना इंचार्ज वहां मौजूद थे, स्थानीय युवक वहां मौजूद थे और डटे हुए थे। उनका एक ही डिमांड था कि परिजनों को लगभग 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, लेकिन विधायिका के हस्तक्षेप के बाद 20 लाख रुपये में यह मामला पूरी तरह से सेटल हुआ और परिजन को जो 20 लाख का चेक सौंपा गया और यह कहा गया कि आपके परिवार का एक व्यक्ति को नियोजन भी दिया जाएगा, कार्य दिया जाएगा आउटसोर्सिंग में, जब तक यह आउटसोर्सिंग चलता रहेगा इस दौरान उनके बच्चे का भी भरण पोषण किया जाएगा। जी प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।